बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरे प्यारे दोस्त, चिकन मिर्च को आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर हमारे उन भाई वाले जो भाई हमारे नए यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं यार हम तो वीडियो अपलोड कर करके थक चुके हैं, फिर हमारे वीडियो पर फिर भी व्यूज नहीं आ रहा है। दोस्तों ये जो मैं आपको ट्रक बताने वाला हूं, इंशाल्लाह इनसे आपका बहुत ही फायदा होगा और आपकी वीडियो 100% व्यूज आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आप ये ट्रक इस्तेमाल करो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। और इंशाल्लाह हम जल्दी से अपनी बात कर लेते शुरू, ताकि आप भाइयों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। मेरे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी जरूर करना, अगर हो सके तो कमेंट में भी अपनी राय का इजहार जरूर देना, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इनसे आपके व्यूज़ बहुत आएंगे और बहुत ही जल्द आपके सब्सक्राइबर भी होंगे और आपका चैनल ग्रो भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रक मैं आप भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो ट्रक है ना, ठीक है, आपको क्या करना होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपका चैनल व्लॉग के हवाले से, तो आपको क्या कर लेना होगा, एक देखना है कि एक चैनल जो व्लॉग के हवाले जो बहुत ही फेमस चैनल हो चुका हो, ठीक है, जो वायरल चैनल हो, आपको क्या कर लेना होगा, उस चैनल का लिंक कॉपी करना होगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि वो कैसे करना होगा। आपने उस चैनल का नाम लिखना है यूट्यूब सर्च बार में, ठीक है, क्या कर लेना होगा यूट्यूब सर्च बार। अगर आपका चैनल का नाम है, अगर आप टैग के हवाले से बना रहे हैं, तो आपको उसी टैग के हवाले से देखना होगा कि एक जो यूट्यूब जिस यूट्यूब पर जिस चैनल जो यूट्यूबर है ना, ठीक है, देखना कि ये यूट्यूबर बहुत ही फेमस है और इसको हर आदमी देख रहा है, इस पर व्यूज बहुत आ रहा है, आपने उसी का नाम लिखना, ठीक है। वो मैं आपको सीधा इस मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ और चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मोबाइल की स्क्रीन पर हमको सबसे पहले क्या कर लेना होगा, हमको अपना यूट्यूब को ओपन कर लेना होगा, ठीक है ना। ये हमारी मैन अब यूट्यूब ओपन हो चुकी है। अगर आप मिसाल के तौर पर व्लॉग के हवाले से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा समझना, गौर से समझना, ठीक है, इसमें आपका बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अगर हम बना रहे हैं व्लॉग के हवाले से, आपको क्या करना होगा, इधर से लिख देना होगा देसी व्लॉग, ठीक है, देसी व्लॉग, ये देखो आ गया। जिस चीज़ के रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हो, उसी चीज़ के रिलेटेड आपने इधर सर्च में लिखना है, ठीक है। फिर इधर सर्च बार में आपको क्या करना होगा, ये देखो बहुत सारे व्लॉग आ चुके हैं, देसी व्लॉग हाउस वाइफ, देसी व्लॉग वाइफ स्क्रीनिंग, देसी व्लॉग इंटरव्यू, देसी व्लॉग न्यू वीडियो। आपने क्या करना होगा, आपको इनमें से जो अच्छा लगे आपने देखना कि जो चैनल फेमस हो चुका है, ठीक है ना, जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, आपने क्या करना होगा। अगर ये देखें, ये देसी व्लॉग न्यू वीडियो, ठीक है, चलो इसका लिंक हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आ, आपको देखना होगा कि जिस चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, जो चैनल फेमस हो चुका है, ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, इसको कॉपी कर लेना होगा, ठीक है ना। इसको कॉपी करके सीधा आपको फिर दोबारा गूगल में जाना होगा, ठीक है ना। क्या कहाँ जाना होगा, गूगल में जाना होगा, ठीक है ना। इधर जाके इसको पेस्ट करना होगा, फिर इधर ही सर्च कर लेना होगा, ठीक है ना। ये देखो बहुत सारे इसमें चैनल है, माई फ्रेश व्लॉग, माई फ्रेश देसी व्लॉग, बॉयज व्लॉग, जैसे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या कर लेना होगा, इधर से कोई और देख सकते हैं, ये भी बहुत सारे। फिर आपको इधर से ये इसको फिर दोबारा कॉपी कर लेना होगा, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। फिर आपको इनमें से ऐसे कॉपी करके या वैसे होगा, अगर आप टैग के हवाले से बना रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं टैग के हवाले से बना रहा हूँ ये, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप टैग के हवाले से बना रहे हैं, ठीक है, तो इधर आपको क्या लिख देना होगा, चैनल का नाम, मिसाल के बड़ा यूट्यूबर है हाफिज़ दस्तगीर, हाफिज़ दस्तगीर, ये मैं लिख देता हूँ। माशाल्लाह ये बहुत फेमस और बहुत बड़ा यूट्यूबर, हम तो इसकी वीडियो शौक से देखते हैं और इन्हीं से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। फिर आप ये देखो, अभी इसका चैनल आ गया, फिर आपको क्या करना होगा, इसको भी कॉपी कर लेना होगा आपको, ठीक है, कॉपी करके अगर आप टैग के हवाले से बना रहे हैं, तो फिर आपको क्या कर लेना होगा, इसको जब वीडियो अपलोड करनी है, जब आपको टाइटल देना होगा, ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी वीडियो के रिलेटेड टाइटल देना होगा आपको, ठीक है। टाइटल लगा के उसके नीचे, टाइटल लगा के, ठीक है, उसके नीचे आपको क्या कर लेना होगा, टाइटल में इसको पेस्ट कर लेना होगा जो हमने कॉपी किया था। फिर इसको इधर पेस्ट करके फिर इसको ये जो टाइटल वाला सारा है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, इसको कॉपी करके फिर इधर डिस्क्रिप्शन लगाकर इधर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसको उधर ही जो टैग जहाँ लगाते हो उस इसको वहाँ भी पेस्ट कर लेना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इधर आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वायरल टैग कैसे ढूंढना होगा, हैशटैग। अगर आप मिसाल के तौर पर व्लॉग के हवाले से वीडियो बना रहे हैं, आपको हैशटैग कैसे ढूंढना होगा, इधर हैशटैग लगा देते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपको व्लॉग के हवाले से, आपको क्या करना होगा, इधर व्लॉग लिखना होगा, व्लॉग, ठीक है, व्लॉग। ये देखो इधर से बहुत सारे व्लॉग वाले हैशटैग आ चुके हैं, ये देखो आप देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इधर से ही ये देखो मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे आपको इधर ही वायरल हैशटैग भी लगा देना है। रेगुलर आप इंशाल्लाह ऐसे करते रहोगे, पूरा एक महीना आप करते रहोगे, इंशाल्लाह आपकी वीडियो पर व्यूज ना आए तो फिर मुझे कहना। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, अगर हो सके चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और लाइक भी जरूर करना। अगर आप रेगुलर से ये काम करते रहोगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कर हो जाओगे।